राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंच चुकी है। इस वक्त हम अमेठी के गौरीगंज में हैं और राहुल गांधी कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं, और उनके पहुंचने से पहले कांग्रेस के तमाम समर्थक यहां जो हैं इकट्ठा हो गए हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए। क्या भाई साहब? हाँ बोलिए भैया। राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हैं, बहुत से बहुमत भीड़ से राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, अमेठी में जिताएंगे। पिछली बार क्यों हरवा दिया फिर? अरे पिछली बार नहीं हरवाया, इस बात आपकी क्या जिताएंगे, हम जिताएंगे। तो पूछ रहे पिछली बार क्यों हरा दिया? अरे पिछली बार जाने दो, ये मशीन जो वोट देते हैं एटीएम दूसरे में जाती है, बटन दबाओ उस पर जाता है दूसरे पे। एटीएम तो इस बार भी रहेगी, देखो भी नसीब है। अगर नहीं एटीएम नहीं है, मशीन नहीं है, मशीन हटाई जाए, ईवीएम हटाएंगे, विरोध कर रहे हैं, खुला विरोध कर रहे हैं ईवीएम का। ईवीएम हटाएंगे अब की बार, ईवीएम नहीं, अमेठी वाले ने पिछली बार तो वोट भी नहीं देते इसलिए हार हो गई थी। ईवीएम की वो है, अमेठी से 70 साल से जीते हैं, इस बार हार गए जब से मोदी आया। मोदी तो इस बार भी हैं, इस बार है तो इस बार हटाएंगे ना उसको, 70 से उठा के बाहर फेंक रहे हैं। स्मृति ईरानी तो कह रही हमने बहुत काम कर दिया है, हम ही जीतेंगे। एक अंडर करंट है अमेठी के जनता के बीच में, एक अंडर करंट है। पिछली बार उन्होंने, स्मृति ईरानी ने ये वादा किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी एक्स वाई जेड बोलती हैं, ठीक है। इस बार सिर्फ नॉमिनेशन करके राहुल गांधी मात्र 2 दिन यहाँ आ जाएं, बस रिजल्ट देखिएगा। नहीं वो तो कह रही है, हम तो 5 साल लगातार बने रहते हैं, तो एक तरफ 5 साल एक दिन 2 दिन। कोई भी बना रहे, कोई राजनेता किसी के घर पर जाके बना नहीं रहता है, वो अपनी कार्यालय आता है, अपने पेपर वर्क किया चला गया। सिर्फ ये है नॉमिनेशन हो जाए यहाँ से, हम लोग आए हुए हैं। उम्मीद है इस बार राहुल गांधी लड़ेंगे यहाँ से? बिल्कुल, हम लोग तो यही चाह रहे हैं, उम्मीद यही है कि हम वो नॉमिनेशन कर दें। अगर नॉमिनेशन हो जाएगा 2 दिन के बाद, 2 दिन मात्र उनको चाहिए होगा, जनता वोट देगी इस बार। पिछली बार भी दिया था, कमी क्या रह गई थी पिछली बार? एक प्रशासन होता है, बहुत सारे सिस्टम है, पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो सिस्टम आप जान रहे हैं, मीडिया वाले हैं आप तो तथाकथित सही चीज़ें दिखाते हैं, अंजुम जी के साथ हैं, शायद एसोसिएट हैं, पहचान लिया आप? हम पहचान रहे हैं, और वो सिस्टम से राहुल गांधी चाहे इलेक्शन जीतना ना जीतना एक अलग बात है, वही वो जब भी इलेक्शन ये हारेंगे भाजपा वाले, जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं वही बोलेगा कोई भी। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही हमने विकास की गंगा बहा दी है, तमाम योजनाएं लिया हैं, बहुत विकास कर दिया है हमने, जो 50 साल में नहीं हुआ हमने 5 साल। जब मेरा बचपना था ना यहाँ पे, तो ना मोबाइल था, ना सड़कें थी, पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, और इंडिया मार्का का नल जो आता है हैंडसेट, वो कांग्रेस की देन है। आज तो 25,000-22,000 में वो नल आ रहा है, पहले ये होता था किसी गाँव में अगर नल की आवश्यकता है तो वो सेंक्शन होता था कि 3 नल यहाँ दे दिया जाए, 5 नल दे दिया जाए, एक एक नल एक एक गांव को जाता था, और सड़कें बनना बहुत अच्छे तरीके से, समझदारी से। आने वाले हैं, कैसे स्वागत करने वाले हैं आप लोग? जी बहुत भव्य तैयारी की गई है, हम लोग जगह जगह पे लगे हुए हैं, सारा कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा, बुजुर्ग, किसान, महिला, सभी लोग डटे हुए हैं। अभी आपने क्या कह रहे हैं राजू, राहुल गांधी आने वाले कैसे स्वागत होगा? राहुल गांधी प्यार स्वागत, दिल दे देंगे, जान दे देंगे उनके लिए, जो भी किया है हमारे बहुत अच्छा किया है। क्या किया है? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया, वो बहुत कुछ किया है। अब हम अलका बात है, इस बार क्यों हरा दिए थे? हमने नहीं हराया जनता, अब उनकी भाग उनकी किस्मत, और सवाल इस बात का है कि का बात है, राजू गांधी हमारे प्रिय थे और प्रिय हैं, प्रिय रहेंगे। जीतेंगे राहुल गांधी? जीतेंगे, दिल की तमन्ना है, जीतेंगे, जीत जाएंगे। अब उनको हराने वाला कोई फायदा नहीं है। स्मृति ईरानी तो कह रही हम हारेंगे ही नहीं, उनका देखा वो कब के हैं, काल से अकाल के बानी आज से अब, इसीलिए सवाल ज्यादा खत हो रही है। स्मृति ईरानी तो कह रही हम हारेंगे ही नहीं। स्मृति ईरानी इस समय देखो तो किसान लोग कितने परेशान हैं, गाय सब चल रही है, कोई किसान लोग एक दाना नहीं पा रहा है, खेती में इतना नुकसान हो रहा है, जानवर किसान को एकदम तंग कर दिए हैं, क्या किए हैं आके यहाँ, क्या किए हैं अमेठी में आके, क्या करवाए? हम नहीं डर गए, किसान बोल रहे थे ना यार,
डरते कांग्रेसी डरते भी हैं क्या? नहीं नहीं डरते नहीं है। ये कैसा कांग्रेस? अगर मैं खुल के हूँ कांग्रेस, ये कैसा कांग्रेसी है? बोल नहीं रहा, डर के भाग रहा है, ये कैसा? ना ना हम नहीं मोल, क्यों डर रहे हो? कांग्रेस कांग्रेसी हो? हाँ कांग्रेसी है। डरते हो फिर? डरते भी हो? नहीं मैं के सामने में नहीं आना चाहता ना, इसीलिए बाकी मैं बोलने में नहीं डरता हूँ किसी से। भाजपा वाले पहचान लेंगे? भाजपा वाले क्यों पहचान लेंगे हमें? पाँच किलो राशन देते हैं और पाँच कुंटल चरा लेते हैं भुसाड़ से, यही सरकार है। यही बात कहने में डर रहे थे? हाँ यही बात कहने में डर रहे थे, लेकिन मैं के सामने कभी खड़े नहीं हुए ना, इसलिए बोल रहा था। बोल तो ले गए, आप क्या डरने की बात है, बढ़िया बोल ले गए तुमको। भाजपा हटाओ देश बचाओ। भाजपा बिल्कुल हटेगा। चर्चर गम क्या गमछा पहन लिए हो तुम? हाँ पूरा राहुल गांधी पहन लेंगे, ये तो जाएगा नहीं। कट्टर कांग्रेसी हो? कट्टर कांग्रेसी हमारे बूथ से कभी हारी नहीं है। बन्ना मुबारकपुर चेलन देते हैं। कट्टर कांग्रेसी है, पन्ना मोर को मेरा घर है और मेरा लड़का है। दिया था पिछली बार लोग वोट देते हैं, उनकी नसीब है, नसीब उनकी है। आपकी नसीब कैसा है? आपकी तो भगवान जाने, पूरा मौजा मेरे बूथ से कभी हारे नहीं है वो, आज भी नहीं हारेंगे। मेरे बूथ से कभी नहीं हारे, आज भी नहीं हारेंगे। आपकी जिता दोगे? हमेशा जिताता हूँ अपने बूथ से। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ गौरीगंज में कांग्रेस के लोग इकट्ठे हैं। क्या भाई साहब क्या मामला आपके लग रहा है? राहुल जी जिता देंगे इस बार आप लोग? जरूर जिताएंगे। पिछली बार क्यों उनकी इंसल्ट कर दी थी हर बार की आप लोगों ने? इंसल्ट कहाँ किया गया, दान में दिए थे राहुल गांधी। या इतने दिन हमने किया, वो खुद भी करके देख लो, जो लोग कह रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है वो पाँच सालों में देख लिए हैं। जितना राहुल गांधी ने विकास किया था सारा बेच के जा रहे हैं यहाँ से। पाँच साल में अघा गए लोग? अघा गए हैं। इस बार उनको दिख जाएगा कि राहुल गांधी क्या चीज़ है, स्मृति ईरानी क्या चीज़ है। स्मृति ईरानी तो कह रही हैं कि हमने बिल्कुल विकास के गंगा बहाई है, जो काम नहीं हुआ पचास साल में पाँच साल में कर दिया। आप लोगों ने विकास की गंगा कहीं देखा है? यहाँ पे अभी विकास पैदा ही नहीं हुआ है। विकास पाँच साल हो गया लगभग, अभी विकास पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसा क्या हो गया पाँच साल में कि अभी यहाँ कल कारखाने लगे थे सब स्मृति ईरानी जी ने बेच दिया है। यहाँ से मेगा फूड पार्क जो यहाँ का बहुत ही अच्छा उद्योग मिलता लोगों को। साइकिल वाला कारखाना भी था यहाँ पे? साइकिल वाला कारखाना तो बहुत दिन से था, वो भी चला गया। वो तो बहुत पहले से बंद था, लेकिन जो चल रहे थे वो तो बंद हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि राहुल गांधी पाँच साल पहले हारे थे अब जीत जाएंगे, ऐसा क्या बदल गया है? ये देखिए परिवर्तन है, जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के दौर में उन्होंने एक बार उनको मौका दे के देख लिया जनता ने, अब फिर से राहुल गांधी को ही देखेगी। पछता रही है जनता? जरूर पछता रही है, किसी से बात कर सकते हैं, युवा है इससे बात करेंगे जरूर। कि जनता पछता रही है मीठी की राहुल गांधी को हरा के? जी हाँ पूरी तरह से पछता रही है, क्योंकि इतनी बढ़िया नेता मिली है, स्मृति ईरानी फिल्मों में भी काम किया है, बढ़िया है, अच्छी नेता है। देखो वो केवल राष्ट्रपति जी का डांस अच्छा कर लेते हैं, डांस देखे उनका कभी? अरे एक्टर हैं, फिल्मों में काम करते हैं तो क्या करेंगे, नाचे गाना तो होगा उसमें। फिर उनकी एक्टिंग और डांस देख के वोट दे दिया था क्या उन्हें? हो सकता है। हाँ क्या कर भाई तुम कंप्लीट करो। देखो जो आप संसद महोदय जी का कह रहे हो वो केवल राष्ट्रपति महोदय जी का केवल इंटरव्यू लें, और हम लोग का फ्यूचर की ऐसी तैसी हो गई है। अभी कल यूपीपी का पेपर दे के आया, चारों के चारों शिफ्ट लीक हो गए। तो मैं तो बहुत पढ़ा था रात दिन, तो यही गौरीगंज की लाइब्रेरी में घर तक भूल गया। लाइब्रेरी किसने खुलवाई थी? लाइब्रेरी किसी ने नहीं खुलवाई, लाइब्रेरी प्राइवेट में पढ़ रहा है। हाँ सरकारी में अभी कोई लाइब्रेरी नहीं, केवल एक लाइब्रेरी वो खुली है। दुखी हो कि पेपर आउट होने से? दुखी हो गए पुलिस का जो पेपर आउट हो गया? भाई मैं आर्मी में भी था, आर्मी मैंने छोड़ दी, अग्निवीर। अग्निवीर बन गए थे? हाँ अग्निवीर बन गए थे, साथ छह अपने पास। क्यों छोड़ दिया अग्निवीर फिर? इतनी बढ़िया स्कीम है यार अग्निवीर। रुकिए मोदी जी लाए तो कुछ सोच समझ के लाए होंगे ना अग्निवीर? देखिए अग्निवीर लाए थे, अग्निवीर लाए थे, लेकिन सैलरी चाहिए ना। अभी आपको 21,000 में तो यहाँ पे अभी मैं ठेला लगा लूँ तो 21 नहीं यहाँ पे 30,000 कमा सकता हूँ। वहाँ पे दिन रात रगड़ा चलता और मिलने को कितना 21,000। मैं 8 महीने ट्रेनिंग की, 2 महीने ड्यूटी किया जम्मू के अखनूर में, पाया कितना केवल यहीं कहीं 20-25 हज़ार, और वो भी घर केवल 1,000 रुपये बेच पाया। अभी ये आर्मी का पहन के घूम रहा हूँ बस। और शूज़ दिखाओ इनके, शूज़ तो देखो आर्मी वाले ने पे शूज़ देके तुम वापस नहीं लौटाए आर्मी के शूज़ तुमने? मैं क्यों लौटाऊँ, मेरी मेहनत की कमाई है ये। देखिए ये अग्निवीर था बालक, अच्छा अग्निवीर भर्ती हुए थे लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, संतुष्ट नहीं थे। आएंगे अग्निवीर को फिर से परमानेंट करेंगे, फिर से आर्मी में होके दिखाऊंगा। स्कीम खत्म करेंगे? हाँ अग्निवीर खत्म करेंगे, फिर से आर्मी में होके दिखाऊंगा। फिर हो जाओगे? क्या नाम है आपका? राज सिंह। राज सिंह हाँ, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। तो देखिए ये अग्निवीर थे और अग्निवीर की नौकरी छोड़ दी, पुलिस की भर्ती में एग्जाम दिया, पेपर आउट हो गया, पेपर ही लीक कर दिए। इतनी मेहनत की इसमें भी निकल गया था, इसमें 120 क्वेश्चन हमने कर दिए थे,
जिसने पढ़ाई नहीं की थी उसने भाई पैसे देकर जुगाड़ लगा दिया। इसका मतलब इस सरकार में जुगाड़ चल रहा है और पेपर भी स्थगित नहीं कर रहे हैं। जितना पेपर होता 5 साल में। राहुल गांधी से बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों को? हाँ, राहुल गांधी से उम्मीद है। जीतेंगे आपकी, जिताओगे कि फिर क्या कमल दबा दोगे बटन? सब कहते हैं 100, हम कहते हैं 105% जीतेंगे। जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। ये बार क्यों हार गए थे? दोनों चोरों की सरकार से 1,00,000 गुना ठीक है। आज जो भी अमेठी की जनता में आप देख रहे हैं सब माननीय राहुल जी के ही खानदान की दी हुई विरासत है। आज जो कुछ भी है हॉस्पिटल, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है था जिसका इलाज बरसों से चला आ रहा था, उसको भी इन लोगों ने बंद करवा दिया। जनता पछता रही है राहुल गांधी को हरा के? भाई बिल्कुल पछता रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अब की देंगे एक जो गांव की कहावत कहे हैं कि लेंगे बदला देंगे खून, यही देश की यही है रीत। हर जगह पे जहां भी जन सैलाब रहा है लोगों का, तो बिल्कुल कई है, चलो पट्टा पहना रहे हैं लोगों को। जी सुबह है तो क्या नाम है? हरिओम। हरिओम, काहे के लिए खड़े हो यहाँ ऐसे देखने? किसको? तो क्या नाम है? किसको? कौन आ रहा? क्या चाचा कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अब क्यों साहब आओ तो है? कौन साहब आ रहे हैं? हमका मालूम नहीं ना। अरे तुका मालूम ना है के आओ तो है? हमारे राहुल भैया ये करा तो मालूम है, तब काहे नहीं बता रहे हो? अरे नाम वाम लहले भैया रहे साहब, लेकिन अब ले काहे नाम ले हम काहे ले जा रहे हो? अरे अफसर आदमी है हमारे, अब उनका नाम लिए हमें गरीब आदमी का नाम लेना ठीक नहीं, बड़े आदमी है। हाँ बड़े आदमी है भाई, हम लोग देखो कमंडल मंडल टंगा है बाबू। राहुल गांधी बहुत मोहब्बत है क्या? हाँ मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। क्यों ऐसा क्या किए हैं? अरे देश के राजा हैं पहले के, तो मोदी जी कहाँ हैं फिर? अरे ये तो बात माए गए भाई, क्या करी फिर है? हाँ ये तो बात माए, अब क्या करी, जो जनता तो लाई उनका भी। हाँ जनता भी लाई, तो जनता चुनी तब तो आए हैं, और कहा इसे चलाए हैं जबरदस्ती तोड़ो आए हैं, अब जनता लाई तो कौन आएगा? अब की तो राहुल भैया आई हैं। पक्का? पक्का। कैसे मालूम? अरे सब जनता के ऊपर है आशा है। आशा है? हाँ बाबू। तो कहे हरा दिए थे पिछली बार? अरे हम नहीं हराए, हम तो भाई अब क्या बताए साहब, हम तो पक्का दुखी है। दुखी हो? हाँ दुख हुआ राहुल गांधी हार गए तो? और क्या बाबू, आपको ही दुख है कि पूरी जनता का दुख है? अरे अब जनता जो भाई गलत रास्ता जाए वाले हैं उनका कौन दुख, और जो सही चले वाले हैं उनका दुख है। तब भी आपकी जीत जाएंगे अमेठी से? हाँ जीतेंगे, जीत जाएंगे। हाँ जीतेंगे, सब तो खाजा गरीब। देखे हो राहुल गांधी को कभी? देखे हो? हाँ एक आध दाई देखे है बहुत पहले। पहचान लोगे आज? अब देखा मेरी है पहचान तो है ही, पहचान लोगे? हाँ। ये देखिए यहाँ पर भीड़ जो है लोगों की इकट्ठा है और राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी। क्या नाम भाई साहब जी? क्या नाम है? श्याम लाल। हैं? श्याम लाल। श्याम लाल जी आपकी क्या मामला है अमेठी में, जीत जाएंगे राहुल गांधी आपकी? जीत जाबे कर है, जीतेंगे नहीं। गढ़ तो भाई पिछली बार भी था, वो देखिए एक बार गलती से मिस्टेक हुई उसको वो बार बार नहीं होती। ऐसा थोड़ी हो, गलती एक बार होती है बार बार नहीं होती। कई कई लोग कई बार गलतियां करते हैं? नहीं कई बार नहीं करने वाला, इस बार कई बार वाला नहीं है। आपकी इतनी बेवकूफ नहीं कि इस बार भी कर दें। आपकी अमेठी जनता गलती नहीं करेगी कह रही है? आपकी जनता गलती ना करे, राहुल गांधी जीते हैं। देखो चाचा भी खड़े, चाचा इधर आओ। क्या नाम है? अशफाक अहमद। राहुल गांधी देखे हो कभी? अरे बहुत बार देखे ही, बचपन से देखे ही, जब छोटा रहे तब वो देखे रहे। पूरा खानदान देखा हूँ। हाँ खूब देखे यही। पिछली बार काहे हार गए राहुल गांधी? अरे वो हारा नहीं रहे, हरावा गए हैं, देखे लाठी वही के भैंस। कैसे मतलब? अरे भाई देखे सरकार या वही जिता ले और का है ए बी एम से। अरे गिनती में जिता ले हैं, वो जीते हारा वाला नहीं रहे ना, कब वो हारे हैं। सरकार तो अभी चार लाख जीता है, सरकार तो अभी भी मोदी जी की ई वी एम अभी भी है। हाँ तो अभी वही करी है, चोर वही करी है, चोरी करी है, फिर चोरी से जीत लेंगे। हाँ चोरों की रखवाली है। वो तो कह रहे हैं ईमानदारी जीते, जनता ने हमको जिता दिया, वोट नहीं जिताया उताया उनको न, ईमानदारी से वो जीते हैं न कभी जीतेंगे। ए बी एन हटा के कराएं, वोट कराएं, मशीन हटा के। हाँ
और भी कुछ लोग हैं। क्या भाई साहब माला वाला फूल तैयार है? देखिए बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल फूल उल लेके तैयार हैं, पुष्प वर्षा राहुल गांधी पे होने वाली है। जी जी, आपके पास ये फूल उल है तो फूल आज राहुल गांधी जी के ऊपर फेंका जाएगा। हाँ, फूल से स्वागत होगा। हाँ, फेंका जाए, स्वागत हुई। हाँ, क्या है आपकी अमेठी मामला, राहुल गांधी जीतेंगे कि नहीं आपकी? जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, पिछली बार क्यों नहीं जिताया? जिताओ रहा भाई, वोट जीत कर जीतेंगे। ये जनता चाहे तो जीतेंगे जरूर। जनता पिछली बार नहीं चाहती? हाँ, पिछली बार नहीं चाहे थी। अरे सब चाहते जीता ना होते हैं? नहीं, पिछली बार तो हार गए थे ना। हाँ, तो वही तो सब जब चाहते हैं जैसे आज हैं सब ये तरह तरह तो हारे। तो जनता का मन बदल गया इस बार? हाँ, इस बार बदल गया, बिल्कुल बदला है। कहे ऐसा क्या हुआ? स्मृति ईरानी कह रही है बहुत काम किए हैं। सरकार ने वैकेंसी निकाल के अपने चुनाव भरे का पैसा कमा लिया 400 से। क्या नाम भाई आपका? राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा, मिश्रा जी क्या मामला आपके राहुल गांधी की है कुछ यहाँ चांसेस? इस बार तो सर्वत्र पूरी अमेठी में जो है माहौल उनका चल रहा है। और जिस प्रकार से उनका जो रुझान रहा है, यही रुझान शायद पूर्व होता तो चुनाव अगली बार भी जीते थे। और दुर्भाग्य था हमारी अमेठी का कि जिनके नाम से अमेठी जानी जाती है उन पर हम लोग पूर्ण रूप से स्थित नहीं हो पाए। इस बार हम लोग जन समर्थन के साथ राहुल जी के साथ हैं और राहुल जी इस बार निश्चय ही चुनाव जीतेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। बार स्मृति ईरानी को वोट देती थे क्या लग रहा है? नहीं, हमने राहुल गांधी को ही वोटिंग की थी। ब्राह्मण समाज तो पिछली बार चला गया था बीजेपी के साथ। नहीं, ब्राह्मण समाज देखिए यही तो आप मीडिया वालों की गलती है ना कि ब्राह्मण समाज चला गया, क्षत्रिय समाज चला गया। दलों में आप बांटेंगे उसके बाद फिर आप बताएंगे कूटनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, ये गलत बात है ना। ऐसी बात किसी, ये तो माना जाता है ना कि प्रकाश जो है बीजेपी को वोट किया है। ये हम कह रहे हैं आप मीडिया वाले होकर ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं। ये जनता प्रश्न करे तब सही है, ये जनता प्रश्न करे तब सही है जातिवाद में बांटने का। राहुल राहुल जी अत्र सर्वत्र अमेठी की जनता, अमेठी की जनता पछता रही है उनको हरा के? नहीं, बिल्कुल अमेठी की जनता पछतावा कर रही है कि हम जिनके नाम से हमारी अमेठी की पहचान है, जवान बाम शान है, और अमेठी जिनके नाम से हम दूर दूर तक कहीं भी जाते हैं तो निश्चित ईरानी के नाम से नहीं बल्कि राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है इस अमेठी को। स्मृति ईरानी से ऐसे 5 साल में क्या गलती हो गई? उन्होंने तो कहा हमने बड़ा विकास किया, बड़ा काम कर दिया। बहुत सारी गलतियां हैं जिसका उल्लेख अभी जैसे बच्चे ने बताया ना कि वैकेंसी को लेकर के 400-400 रुपये गरीब परिवार लगा करके वैकेंसी में खर्च करके दिया और देखिए आप पेपर लीक हो गया, क्या कैसी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, बच्चे कहाँ कहाँ तक अमेठी इत्यादि गोरखपुर जा करके पेपर दिए, उनकी स्थिति को जानिए। प्लस जो कार क्षेत्र था 15 रुपये किलो चीनी करने का, ऐसे बहुत सारी बातें हैं किन किन पर मुद्दा किया जाए। अमेठी आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो विकास था, हालांकि राहुल जी भी इस बार वर्तमान में जो प्रयत्न अमेठी के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जन भारत जोड़ो यात्रा के तहत यहाँ पर आ रहे हैं, निश्चय ही वो कार्यरत होंगे। और इसी तरीके से यदि रुझान में बने रहे तो भारी बहुमत के साथ तो दक्षिण भारत चलेगा तो क्या अमेठी जनता चाहती है कि वापस अमेठी आए, अमेठी से लड़े? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये इतने लोग जो एकत्रित हैं ये उनको बताना चाहते हैं कि आप हमारे हैं और आप हमारे भी चाहिए, जिससे आपको पूर्ण बहुमत यहाँ से प्राप्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो बोल रहे साहब, बात सही बात है, सही बात। अमेठी जनता चाहती है राहुल जी लड़े? जी, वोट देंगे आप लोग कि नहीं देंगे? तो हमेशा देते हैं, हमारे देने से एक आदमी से जीतेगा थोड़ी। अरे नहीं, एक एक वोट से तो क्या कहते हैं जीत होती है। हाँ हाँ, लेकिन हम तो देते हैं हमेशा। स्मृति ईरानी भी कह रही है हम ही जीतेंगे। ठीक है, स्मृति ईरानी भी कह रही है हम ही जीतेंगे। हाँ हाँ, तो सभी कहेगा। जनता किसको कह रही है? जनता राहुल गांधी, राहुल गांधी को। तो कैसे पिछली बार आप लोगों ने फिर उनको हरवा दिया था? अब पता नहीं कैसे हार गए। केंद्र में चाहे जिसकी सरकार हो, पर इस बार अमेठी में राहुल गांधी जी रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूर्ण मोहम्मद के साथ देखिए भाई साहब, आगे आइए भाई साहब। क्या नाम आपका? अरे सुनते हैं चुप्पे चुप्पे, कोई डिबेट नहीं, सुनते हैं खाली। जी हाँ, छुपके। जी हाँ, बोलते नहीं है। नहीं, तो भाई साहब खाली छुपके सुनते हैं, पीछे बोलते नहीं है। तो देखिए ये अमेठी में तो क्या आप लोग यहाँ सब कांग्रेसी ही हैं इसलिए बोल रहे हैं ऐसा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो दिल से सम्मान होता है उसी के लिए आवाज तो लग रहा है सब कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठा है। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं है, सब अमेठी की जनता है ये सर। वोटर भी अमेठी के ही हैं, अमेठी के वोटर हैं, अमेठी की जनता है। ये कांग्रेसी का बिल्ला पहन ले से सब कांग्रेसी ही नहीं है, सब हर प्रकार के यहाँ आदमी हैं, हर तरह के हैं, हर समाज से हैं। जैसे आपने अभी कहा था ब्राह्मण वर्ग क्षत्रिय वर्ग वहाँ चला गया, तो देखा हर जगह हर समाज तो सर्वदलीय ये पार्टी है, यहाँ पे हर दल के लोग हैं।
बिल्कुल। तो देखिए ये अमेठी के लोग हैं, इसमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन ओवरऑल अमेठी के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हैं। उनका साफ कहना है कि जनता जो है अमेठी की इस बार पछता रही है कि पिछले राहुल गांधी की हार हो गई थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी के साथ है जनता और चाहती है कि लोग यहाँ से वो चुनाव लड़ें और जीतें। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार कैसे खेला होगा? इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। जो प्यार अमेठी ने हमेशा दिया है गांधी परिवार को और जो गांधी परिवार ने अमेठी को प्यार दिया है, वो प्यार फिर से मिलने वाला है। एक इतिहास रचने जा रही है अमेठी। स्मृति ईरानी जी भी बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के लिए। देखिए, वो जीत के लिए ना पिछली बार कॉन्फिडेंस थी ना इस बार है। वो एक्सीडेंटल जीत हो गई थी, कोई जीत नहीं है ना, आगे जीत होना है। इस बार उनकी जमानत जब्त होना है। जनता ने वो कहते हैं ना कि मतलब कुछ बदलाव के लिए खाली उनको जिता दिया था, क्या बदलाव के लिए नहीं जिता दिया था? शासन प्रशासन तमाम तरीके के लालच झूठे प्रलोभन। कितने वोटों से हार जीत हुई थी पिछली बार? 42,000 वोटों से हुई थी, कोई बड़ी हार जीत नहीं हुई थी, लेकिन उनकी तमाम झूठी बातें खुल गई हैं। अब जनता उनको इस बार कितने वोटों से रहेगा? वो कम से कम 4 लाख वोटों से हारेंगी इस बार। 10 गुना वोट से हराएंगे? 10 गुना वोट से। 10 गुना बदला लेंगे? 10 गुना बदला अमेठी लेगी। उनकी 13 किलो चीनी का बदला लेगी जो उन्होंने वादा किया था। क्या वादा किया था चीनी का? कि 13 किलो में चीनी उपलब्ध कराएंगे अमेठी रुपए में। हाँ, अभी कितने मिल रही है? अब आप देख लीजिए कितने मिल रही है, 42 रुपए 50 रुपए किलो मिल रही है। तमाम उनके झूठे वादे जिसमें लोग आ गए, ऐसे में आ गए, लोग आ गए थे, खासतौर से नौजवान जो रोजगार के चक्कर में तमाम चीज़ें थी, अब सबकी आंखें खुल गई हैं और सब जवाब देने के लिए उतावली है पूरी अमेठी की जनता, किसान, नौजवान, महिलाएँ। कह रहे 4 लाख वोट से आपकी हार जीत हो जाएगी, मतलब ज्यादा तो नहीं बोल गए? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, वो और उससे ज्यादा भी होगा। मजाक मजाक में ज्यादा बोल गए? नहीं नहीं नहीं, मजाक कम बोले हैं, और होगी इससे ज्यादा, 5 लाख पार। मतलब क्या स्मृति ईरानी जी को हमेशा के लिए विदा कर देंगे यहाँ से क्या? हाँ, और क्या, बेटी बोलते हैं, बेटी आपकी विदा हो जाएगी एकदम से, एकदम। क्यों भाई साहब, कह रहे हैं 4 लाख, ये कह रहे 5 लाख, तो स्मृति ईरानी जी की विदाई कर देंगे क्या आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम युवाओं का सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी है। हम लोग इतना बेरोजगार हो चुके हैं कि पूछिए मत। बेटी कहती है बेटी को कितने दिन घर पे रखा जाए, बेटी को तो अंत में विदा कर दिया जाता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बेटी को तो विदा करना ही, विदाई का समय आ गया है। जी बिल्कुल, विदाई का समय आ गया है। देखिए तमाम जो नेतागण हैं उनके आने जाने का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। क्या बात है भैया, मिस कॉल लगाइए इस पे, राहुल गांधी संगठन में जुड़िए, मिस कॉल आ रही है मोबाइल। अच्छा, ये सदस्य बनाया जा रहा है, मिस कॉल मार के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम राधा देवी है। कांग्रेस के नेता हैं? हाँ। गांधी आपके जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, पिछली बार तो हार गए थे? जीतेंगे जीतेंगे। ये तमाम महिलाएं भी आई हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए। देखिए फूल उल सबको दे दिया गया है कि राहुल गांधी जब आए तो उनका फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया जाए। क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम है पवन शुक्ला भेड़ी। शुक्ला जी, क्या मामला है आपके, क्या माहौल है आपकी? माहौल यही है कि 99% राहुल गांधी, 1% स्मृति ईरानी। क्या बात कर रहे हो, यही हकीकत है। स्मृति ईरानी कह रही है आपका तो हम दोबारा रिकॉर्ड बनाएंगे। दोबारा रिकॉर्ड वो नहीं बना पाएंगी। जिस प्रकार कंस ने गोकुल के लिए पूतना को भेजा था द्वापर में, उसी तरह ठीक मोदी जी ने त्रेता में कलयुग में भेजा है स्मृति ईरानी जी को अमेठी में। अरे अब उनकी पूतना से तुलना मत करो, गलत है। गलत नहीं है, उनका दूध पिलाना वहाँ, सारे बच्चे मर गए, और उनका विकास कराना यहाँ, सारा यहाँ का व्यापार फैक्ट्रियाँ सब खत्म हो गई, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ अमेठी का। ना पूतना विदा कर, पूतना आखिरी में अंत वही हुआ कि जान से गई। इसी तरह 5 साल में सपना दिखा करके झूठा स्मृति ईरानी अपनी कुर्सी से भी जा रही हैं। विदा कर दोगे? विदा एकदम विदाई तय है। काहे विदा कर दो, काहे नाराजगी भाई? विदाई इसलिए कि जिसकी केंद्र और प्रदेश में सरकार है, सारे यहाँ के विधायक उनके हैं, उसके बाद लोकसभा है, केंद्र प्रदेश सरकार है। आज अमेठी में किसी भी ब्लॉक में एक भी कारखाना विकास के नाम पे नहीं लगाया गया। अमेठी ऊंचा हार रेलवे लाइन जो थी उसको भी निरस्त कर दिया गया। मेगा फूड पार्क जो था राहुल गांधी द्वारा निर्मित हो रहा था उसको भी निरस्त कर दिया गया।
आईटी जो चल रही थी टीकर माफी में बंद कर दी गई। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में स्मृति ईरानी ने अमेठी को पछाड़ दिया 5 साल में। आज अमेठी को स्वर्णिम अमेठी होना चाहिए था इस तरह के चढ़ते हुए जलवे में, मगर अमेठी को स्मृति ईरानी ने 25 साल पीछे धकेल दिया। इसलिए अमेठी की जनता बिल्कुल शुक्ला जी भयानक गुस्से में है और इस बार बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल मतलब हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, अब की बार होना नहीं। अमेठी की अंगड़ाई है, पूरा देश में भाजपा की सफाई है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सिर्फ मोदी जी के लिए 4 लाइन में कहना चाहता हूँ, जिस देश की धरती सोना उगले या उगले हीरा मोती, उस देश का पीएम झूठा निकला, उसका नाम है मोदी, उसका नाम है मोदी, उसका नाम है मोदी। शुक्ला जी बिल्कुल दहाड़ रहे हैं गौरीगंज में। तो ये आपने देखा कि अमेठी की जनता का क्या राय है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हराकर वो बहुत पछता रहे हैं और जो भूल 2019 में हुई थी वो भूल इस बार नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, पक्का पक्का। 5 लाख पार स्मृति ईरानी को 5 लाख, 5 किलो राशन फिर कमाल कर गया। तो राशन पे बिकने वाले जो है वो अब की बार सब सही हो गए हैं, कोई बिकने वाला नहीं है। पाँच किलो राशन में किसी परिवार चल जाता है? हमको बताया जाए कि 5 किलो राशन में उसका परिवार नहीं चलता, उसको अपने पल्ले से खरीद के खाना पड़ता। बाबू जी 5 किलो राशन दे दिया, क्या उसमें दाल सब्जी नहीं लगती? क्या आटा दे दिया, चावल दे दिया, उसमें दाल नहीं लगती, नमक नहीं लगता, मिर्चा नहीं लगता? तो खुश है ना 5 किलो राशन? कहा जाए खुश है? नहीं खुश है, नहीं खुश है। चाचा दो दो टोपी लगाए और गुस्से में बहुत है। जानवर के मारे एक पेड़ नहीं बचता, रात दिन रखाते हैं फिर भी वो बराबर सफाई सब चढ़ जाते हैं सब, ऐसा नहीं है 5 किलो राशन। तो ये देखिए लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, गरीबी बड़ा मुद्दा है और जो जानवर जो चर ले रहा है वो भी बड़ा मुद्दा है, खुला जानवर जो सांड जो चर ले रहे सब। हम बोले थे भाई ने, आपका बोले मां। तो कुल मिला के जनता यही कह रही है कि राहुल गांधी इस बार अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो डेफिनेटली उनकी बड़ी जीत होगी और स्मृति ईरानी की इस बार विदाई हो जाएगी। विदाई निश्चित है, है? निश्चित है विदाई, विदाई निश्चित है जी। तो ये है अमेठी की जनता की राय।